दोस्तों स्वागत है आपका एस एस नॉट स्टडी पर। तो दोस्तों तो आज हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के योजना के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सरकार द्वारा जो भी तो वर्जन होते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, तो उनको तो हर महीने जैसे 750 रुपये और 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो दोस्तों वो सहायता राशि हम अपने फ़ोन से तो कैसे सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आप भी अपने फ़ोन से सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी की तो पेंशन उनके बैंक अकाउंट पे आई या नहीं आई वो कैसे सेव कर सकते हैं, और वो कौन से मंथ की और कौन से मंथ की तो कितने रुपये की किस्त आई है। तो दोस्तों ये पूरी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल की जितनी भी नई नई योजनाएं, नई भर्तियां और जितने भी तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ तो आती है हमारी चैनल पर, मैं आपको सबसे पहले उपलब्ध तो कराता हूँ। ओके दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अभी से ही तो लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो अभी हम उसको सेव करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों हमें सबसे पहले जाना होगा अपनी तो क्रोम तो ब्राउज़र पर। तो दोस्तों यहाँ पर तो क्रोम ब्राउज़र के अंदर हम जाते ही तो क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाकर हमें सर्च करना होगा सूचना पोर्टल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सूचना पोर्टल सर्च कर दिया, इसके अंदर दिया हुआ सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, इस पर हम करेंगे क्लिक। इस पर हम तो क्लिक करने के बाद हमारे पास से ऑप्शन आएगा अपने क्षेत्र के पेंशन लाभार्थी की सूचना देके और स्वयं की पेंशन का विवरण देके और तो पेंशन तो प्राप्तता के नियम देके इजी जैसे एलिजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले हम स्वयं की तो पेंशन का विवरण देखेंगे। जैसे आपके तो परिवार में तो किसी की अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन आती है तो वह आप कैसे सेव कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सबसे पहले सही का PPO नंबर, अगर आपके पास तो आवेदन जिस समय किया उस समय आपको एक PPO नंबर दिया गया। अगर आपके पास वो PPO नंबर नहीं है तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर से भी सेव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हमारे पास आधार नंबर है तो आधार नंबर, नहीं तो बैंक अकाउंट नंबर है तो उससे भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास SRD नंबर है उससे भी सेव कर सकते हैं। तो ये तो था स्वयं का विवरण। अगर दोस्तों आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं हो, जैसे परिवार के किसी और सदस्य पास हो, तो हम एक और तरीका है उससे भी सेव कर सकते हैं। तो वो तरीका है दोस्तों हमारा तो अपने क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों की सूचना देते, तो इसके अंदर हमें करना होगा क्लिक। इसके अंदर हम तो क्लिक करते ही हमारे सामने आ जाएंगे पूरे 33 जिले। उस जिले के अंदर आपका जिला चयन करना होगा। जैसे मेरा जोधपुर है तो मैं अपना ज़िला जोधपुर यहाँ पर सर्च करूँगा। ये आ गया जोधपुर। जोधपुर के अंदर मैं जानकारी लेता हूँ। यहाँ पर जोधपुर के अंदर कुल जितने भी जोधपुर के ज़िला चयन करने के बाद उसके बाद आपको चयन करना होगा पंचायत समिति का नाम। जैसे मेरी पंचायत समिति मंडोर है तो मैं मंडोर पर सर्च करता हूँ, और मंडोर के अंदर कुल तो 22,423 जने लाभार्थी हैं। और इसके बाद आपको सर्च करना होगा अपनी तो ग्राम पंचायत, और इसके अंदर तो पेंशन जो भी पेंशन अलग अलग दी जाती है उनमें सभी का दिया, जैसे वर्जन पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, विशेष योग्यजन पेंशन है, कर्षण पेंशन है। वो दोस्तों इसके बाद हम अपनी ग्राम पंचायत सर्च करेंगे। जैसे मेरी ग्राम पंचायत है सालूड़ी, तो मैं इसको सर्च करता हूँ। इसके अंदर 568 जने पेंशन लाभार्थी है। यह सर्च करने के बाद यहाँ पर पूरा डाटा आ जाएगा और यहाँ पर हम क्लिक करते पूरी जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा नेट से लो सुल्डा, इसके अंदर ये देख लो पूरी पूरी जानकारी है। जैसे कि नहीं, ये पेंशनर का नाम, यहाँ पर है पिता पति का नाम, यहाँ पर है पता या आयु, जन्म की तारीख, वर्ग, स्वीकृत राशि, मंजूर की तारीख, डेट ऑफ और योजना स्कीम, वर्तमान तो संवितरण, बैंक का नाम, खाता संख्या के लास्ट अक्षर, कितनी पेंशन में, जैसे 500, 1,000, 1,500, 500, 750 जितनी भी मिल रही है वो यहाँ पर सर्च कर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये थी छोटी की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।
और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितनी भी सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल की योजनाएँ आती है सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाती है, और जितने भी सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल की न्यू तो वैकेंसी आती है वो भी इस पर उपलब्ध कराई जाती है। ओके दोस्तों, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।